देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, ऐसा होता है। आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? CDS का पद संभालते ही बिपिन रावत ने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया, पर जब सवाल उनसे POK पर पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि ऐसे प्लान को सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता। हर विषय पर बेबाकी से अपना पक्ष रखने वाले बिपिन रावत इस सवाल को टाल गए, लेकिन अब सबके जहन में POK को लेकर कई तरह के सवाल चल रहे हैं। पर अब तक सरकार की तरफ से POK को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन POK की तरफ सरकार के मंत्री पहले ही इशारा कर चुके हैं। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। सरकार के दो बड़े चेहरों ने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि POK अब दूर नहीं है। आम सभा से लेकर देश की संसद तक में ये कहा जा चुका है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है, और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बालू साहब को कुछ कहें, माननीय गदिनंदन जी प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। सर, जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो POK इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूँ माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधिरंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माने सर प्लीज, सभापति महोदय माने प्लीज।
प्लीज आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आ। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। और इसका दूसरा पहलू है इमरान खान का डर। इमरान अपनी सेना को भारतीय आर्मी के किसी बड़े एक्शन को लेकर आगाह करते फिर रहे हैं। जब से पाकिस्तान की कैराना हरकतों का भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया है, तब से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। पाकिस्तान को डर है कि भारत का अगला कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले पीओके को ना छीन ले। यही वजह है कि वहां के आर्मी चीफ बाजवा ही नहीं बल्कि इमरान भी रोने धोने का नाटक करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।